झारखंड निर्वाचन पर प्रचार अभियान आरंभ कर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में प्रधानमंत्री संबोधन। झारखंड भाजपा ने भी 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड के हर गरीब के पास पक्का घर हो, ये भाजपा की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, इस चुनाव में जब आप लोगों को लेके मिलने जाएं, तो कहीं अगर आपको लोग अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते नजर आते हैं, कोई कच्चे घर में मिट्टी के छोटे से जगह पे अगर रहता है, आप उसको कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका घर पक्का बन जाएगा। मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है। यहां का मेरा हर कार्यकर्ता मोदी है। आप वादा कर देना, कर दोगे? मैं पूरा करूंगा दोस्तों। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन लोगों ने झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? झूठ बोल करके वोट ले गए थे कि नहीं ले गए थे? फिर आपका वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपको एक रुपया भी दिया नहीं ना? अब उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया। उद्योग सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, वहां के नौजवान
डबल दिवाली मना रहे हैं। क्यों? सरकार ने आते ही बिना खर्ची बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया, वादा किया था पूरा कर दिया, लाखों नौजवानों के लिए युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया है, युवा साथी भत्ते के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे, सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा देने का कानून बना चुकी है। साथियों, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।